20,718 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है, पिछले दो दिन से, पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। और आज का जो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं जो शाम तक रिलीज किया जाएगा, उसमें लग रहा है 17,000 के केस लगभग आने चाहिए। कल जो टेस्टिंग हुई है 67,000 टेस्ट हुए हैं, पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई, नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते नहीं है। और जो ICMR की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुना टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी किसी को भी मना नहीं किया जाता जो भी टेस्ट कराना चाहे। वैसे थोड़ा सा फर्क ये हो सकता है कि जैसे कि कर्फ्यू लगा, वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू से कुछ कम आते हैं लोग। ये टेस्ट देखिए दिल्ली के अंदर पिछले अगर आप 1 महीने के अंदर लगाएं तो 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल रहा है, हमेशा ही 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल रहा है। जैसे कल 67,000 आए थे।